चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज यार, कल मैंने स्पेशली एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने आप लोगों से कुछ सजेशन मांगे थे, जिसमें से आप लोगों ने मुझे काफी अच्छे से एडवाइस दिए और जिसमें से कुछ कमेंट्स मैंने रीड की और काफी लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आप लोगों ने जो जितने भी मुझे सुझाव दिए सभी को मैंने ध्यान से देखा और फॉलो भी किया। और स्पेशली गाइज मैं यही करती हूँ, जब भी मैं आप लोगों से कोई सलाह लेती हूँ या नहीं भी लेती हूँ उसके बावजूद भी आप लोग अगर मुझे गाइड करते हैं या कोई भी सलाह देते हैं तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करती हूँ और उस पर ध्यान देती हूँ। तो फैमिली अभी क्या हुआ था, जैसे कि हमारे, अभी मैं बता देती हूँ कि हमारा मेन टॉपिक क्या है। तो फैमिली हमारे जो ऊपर वाला पेयर है उसमें से जो दो पट्ठे निकल कर आए थे, काफ़ी अच्छे से आप लोग उनको जानते ही हैं। तो उसमें से एक पट्ठा तो जो कि गायब हो ही चुका है, छत पे से अभी तक नहीं आया, आज उसको 4 दिन हो गए हैं। तो एक बेबी जो है वो भी बचा हुआ है, तो फैमिली उसी के बारे में मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी एडवाइस ली कि फैमिली कैसे इसको छत का पक्का किया जाए, कैसे मैं इस पर मतलब इसको अपनी छत पर रोक सकूँ जिससे कि यहीं पर रहे और कहीं इधर उधर ना जाए। तो काफ़ी अच्छी अच्छी आप लोगों ने कमेंट्स भी की, जिसमें से कि मैंने कुछ कमेंट्स मुझे पसंद भी आई और मैंने शो भी की थी। और अब मैं यही क्या करूँगी, जो भी कमेंट्स स्पेशल होती हैं या अच्छी होती हैं, आप लोग जिसमें मुझे जो भी एडवाइस देते हैं तो मैं उनको शो किया करूँगी अपनी वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, तो फैमिली चलिए अभी मैं क्या करने वाली हूँ मैं बता देती हूँ। आज हमारा जो वो एक बच्चा बचा हुआ है, मतलब आज मैंने उसको बाहर निकाल दिया था, काफ़ी टाइम हो गया उसको बाहर निकाले हुए। तो आज मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना उसका फर्स्ट टाइम ट्रायल ले लिया जाए और आज मैं उसको उड़ाने वाली हूँ। तो साथ में मैंने उसके कुछ पिजन्स को भी बाहर निकाला है जो कि पहले से ही हमारी छत के पक्के हैं, तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो साथ में निकालना भी फैमिली ज़रूरी है क्योंकि वो नया है और कुछ अगर मैं एक्सपर्ट पिजन्स को उसके साथ छोड़ देती हूँ तो वो उन्हीं के मतलब जैसे वो हैं पहले से ही, तो उनकी देखा देख वो भी वैसा ही हो जाएगा। और आप लोगों ने भी किसी ने कमेंट की थी कि मैम इसके साथ पिजन्स को भी उड़ाया करो, कुछ अलग से जो कि तुम्हारे पुराने पिजन्स हैं उनको उड़ाया करो, तो वही मैं आज करने वाली हूँ। अच्छा फैमिली, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किसके बारे में बात कर रही हूँ और कौन कौन से वो पिजन है जिन्हें मैं आज उनके साथ उड़ाने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए कौन कौन से जो मैं बता रही थी पिजन्स आज हम उस बेबी के साथ उड़ाने वाले हैं। तो देखिए वहाँ पर हमारी दो फीमेल बैठी हुई हैं, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, हमारी छत की पक्की ही हैं, कहीं जाती नहीं है इधर उधर जब भी मैं इनको बाहर निकालती हूँ। और साथ ही में हमारा सिम्बा भी बैठा हुआ है, देखिए वहाँ पर इसके पीछे बैठा हुआ है। और जस्ट कॉर्नर पर वही बेबी बैठा हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और कल भी स्पेशली मैंने इसी को लेकर आप लोगों से एडवाइस ली थी। तो फैमिली यही वो बेबी है जिसको आज हम लोग उड़ाने वाले हैं। और अच्छा एक बात और, साथ में सिम्बा के जो पेरेंट्स हैं उसमें जो वो सिम्बा का फादर नर है उसको भी आज मैं उड़ाने वाली हूँ क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत पुराना है हमारी छत का, तो साथ में उसको उड़ाना और भी अच्छा रहेगा। तो अभी मैं क्या, आज मैं कम से कम ये इस वाली बेबी के साथ 4 कबूतर उड़ाने वाली हूँ जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिए हैं। एक तो हमारी ये कल्सरी कबूतरी है और एक व्हाइट और ब्लैक ये इधर देखिए बैठा हुआ है, ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और सिम्बा उधर बैठा ही है। और साथ में मैं एक अभी उसको बाहर निकालूंगी, नर को भी हम लोग इसके साथ उड़ाएंगे। तो गाइस देखिए 4 कबूतर तो वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं और जिसको मैं उड़ाने की बात कर रही हूँ आप लोगों को देखिए दिखा देती हूँ, सामने आप लोग लॉफ्ट में देख रहे होंगे, देखिए वो बैठा हुआ है सामने, जिसके बारे में मैंने अक्सर आप लोगों से कई बार बताया भी हुआ है कि बहुत तेजी से ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, कभी कभी तो हिट करने लग जाता है, ये बहुत ज़्यादा पहले से ही एक्टिव भी बहुत है। तो फैमिली अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि इसी को मैं अब बाहर निकाल लेती हूँ और आज हम इनके साथ इसी को उड़ाने वाले हैं। और इस पर तो मुझे इतना ज़्यादा विश्वास है फैमिली, इसको उड़ाने से क्या होगा कि ये तो पहले से इतना तेज है और जब मैं जो हम नए वाले बच्चे को उड़ाने वाले हैं तो उसकी देखा देखिए भी शायद छत पर कम बैक करे। तो बट फैमिली यार आज देखना तो स्पेशली यही है कि आज जब हम इस पट्ठे को उड़ाएंगे तो वापस कम बैक करता है या नहीं। तो गाइस देखिए ये रहा वो मेल जिसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात कर रही थी, देखिए कितना ज्यादा एग्रेसिव है, अभी भी देखिए हिट करने की कोशिश कर रहा है, देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को पास से, ये देखिए इसको अभी भी मेरे हाथ में रुक नहीं रहा है। तो फैमिली मैंने बताया ना ये तो बहुत पुराना है मेरी छत का, इस पर तो आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, जैसे कि हमारा सिम्बा एक्सपर्ट हो गया है उड़ने में। तो फैमिली यही विश है मेरी आज
कि जब मैं उसको उड़ाऊं तो जैसे मेरा सिम्बा वापस लौट कर आ जाता है और मेरे बाकी के जो पिजन है जो कि हमारी छत के पंखे हैं, तो ये भी इतना ही अच्छा कम बैक थे। तो चलिए फैमिली, मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ और उसके बाद हम उन्हें भी उड़ाएंगे ऊपर। ये देखिए वहाँ छत पर जाकर बैठ गया है ऊपर बाकी पिजन के साथ। और अभी देखिए उस अभी तो कोई उड़ा नहीं है, तो अभी मैं खुद से इनको उड़ाने वाली हूँ, तभी ये उड़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो गाइस चलिए अब समय हो चुका है इनको उड़ाने का और अब मैं इनको उड़ा देती हूँ। और ये देखिए ये रही एक इसके जिससे अभी मैं इनको उड़ाऊंगी और उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। चाहिए वो मुझको देखना होगा कि कौन है जो कि अलग उड़ रहा है। और देखिए तीन अभी एक साथ उड़ रहे हैं, ये देखिए फैमिली, ये सिम्बा तो सबसे आगे रहता है और वो देखिए उसका जो फादर है वो भी देखिए अभी उड़ रहा है साथ में। तो फैमिली यार एक तो कुछ पता नहीं चल रहा, देखिए चार तो साथ साथ उड़ रहे हैं। तो गाइस देखिए बच्चा कितना ज्यादा अच्छा उड़ रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि ये वाली जो हमारी नस्ल के ये जितने भी पट्टे निकल कर आते हैं काफी अच्छा ट्रायल देते हैं अपना। जब भी मैं इनको उड़ाती हूँ तो चले जाते हैं, उनका तो खैर मैं कुछ कहती नहीं, बट जो जो भी मेरी छत पर रहते हैं और जब भी मैं उनको ट्रायल लेती हूँ तो वो मुझे काफी अच्छा शानदार रिजल्ट निकल कर आता है। तो फैमिली देखिए बच्चे को आप लोग देख सकते हैं ऊपर, देखिए वो जो हमारी कंसरी कबूतरी है जिसको मैंने उड़ाया था उसके साथ साथ उड़ रहा है, बाकी तीन जो हैं वो हमारे अलग उड़ रहे हैं। तो अभी मुझे पांचों के पांचों दिख गए हैं और बच्चा देखिए कितना ज्यादा शानदार उड़ रहा है, जैसा कि मैंने अभी आज उसको फर्स्ट टाइम ही उड़ाया है। थोड़ा बहुत ही इधर उधर तो उड़ लेता है बट इतना ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है। वो देखिए वो जा रहा है, देखिए वहां पर साथ साथ उड़ रहा है बिल्कुल कंसरी कबूतरी की। और फैमिली साथ साथ उड़ना ही इसके लिए अभी ठीक है, क्योंकि बाकी के जितने भी मैंने पिजन्स उड़ाए हैं इसके साथ में वो सभी ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो उनके साथ साथ उड़ेगा तो तभी इसको थोड़ा पहचान होगी छत पर। देखिए वो रहा वहां पर जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था अलग अलग उसके जस्ट पीछे पीछे चल रहा है, देखिए वहां पर। और देखिए दो ऊपर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों, देखिए ये जा रहा। फैमिली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसे देखकर। तो गाइस बच्चा जो है वो बहुत अच्छे शानदार तरीके से उड़ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और स्पेशली थैंक्स मैं उन लोगों का करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए और मेरे अंदर एक हौसला जगाया ताकि मैं ये कर सकूँ। तो फैमिली आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है और आज मैंने इसे फर्स्ट टाइम उड़ाया है तो काफी अच्छा उड़ रहा है। और देखिए एक बात और बता देती हूँ, देखिए छत को इतने अच्छे से होल्ड किया हुआ है उसने कि छत को छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल अपनी छत के चारों तरफ ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, दूर दूर भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा। मुझे जब ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो एक बार के लिए लगता है कि पता नहीं, मैं डर जाती हूँ कि ज़्यादा ऊंचा ना निकल जाए या बाकी के जो उसके साथ ही उड़ रहे हैं उनसे कहीं बिछड़ ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक उड़ रहा है। और ये देखिए फैमिली वो आ रहा सामने से, और इसने तो कमाल करके रखा हुआ है बिल्कुल, और इतनी ज्यादा खुश हूँ मैं इसको उड़ाकर। और सबसे अच्छी बात ये है कि छत को इतने अच्छे से पकड़ा हुआ है इसने और यही आसपास घूम, देखिए ये देखिए वो रहा जैसा कि, और देखिए अब तो बिल्कुल अकेला हो गया है, जिसके साथ उड़ रहा था कबूतरी कबूतरी इसका भी कुछ अता पता नहीं है, अकेला उड़ने लगा देखिए। बट यार ये अभी तक जिस तरीके से उड़ रहा है बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और मुझे बस ऐसे ही दिखता रहे कहीं ना बस इधर उधर, ये देखिए वो रहा। ये देखिए फैमिली तीनों के तीनों अभी एक साथ आ गए हैं, बच्चा देखिए कितने बहुत ज्यादा शानदार उड़ रहा है यार, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ इसको देखकर। और अगर आज इसने देखिए चारों भी एक साथ हो गए हैं, देखिए आप लोग देख रहे हैं ना सामने चारों के चारों भी एक साथ उड़ रहे हैं, बच्चा हमारा बीच में उड़ रहा है वो।
वैसे दोस्तों एक बात और है, कल से कबूतरी ने भी कुछ कम गदर नहीं मचा रखा है। ये देखिए, जैसे कि ये अभी हमारी छत पर नहीं है, कुछ टाइम पहले जो मैंने जितने भी पिजन्स लिए थे उन्हीं में से कल्सरी कबूतरी भी एक है, और इसको भी हमारी छत पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट जैसे जैसे मैंने इसको धीरे धीरे छत पर हिलाना शुरू किया है, तो ये भी काफी ज्यादा धीरे धीरे इतनी एक्सपर्ट होती जा रही है। तो उसे भी कहीं ना कहीं एक खुशी मुझे उसे लेकर भी है, क्योंकि इतनी भी ज्यादा ये नहीं है कि पुरानी है, नई है वो भी हमारी छत के लिए। तो फैमिली कल्सरी का तो ठीक है, बाकी देखिए तीन जो हमारे उड़ रहे हैं वो फैमिली है, एक सिम्बा उसका फादर, और ये देखिए ये भी बेबी उसी का है। तो काफी पुरानी नस्ल है ये हमारी छत की, और जब इतना अच्छा शानदार रिजल्ट निकल कर आता है फैमिली इतनी कोशिश इतनी मेहनत करने के बाद, तो अलग ही खुशी होती है। और आज मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती फैमिली, और उससे ज्यादा अभी उड़ रहा है तभी मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। और ये सोचिए जब ये वापस कम बैक करेगा तब मुझे कितनी ज्यादा खुशी होगी। अभी मुझे ये नहीं पता कि कितने टाइम बाद ये कम बैक करेंगे और अभी कितना ज्यादा उड़ेगा, बट इसको ज्यादा उड़ाना भी ठीक भी नहीं है, क्योंकि नया पट्ठा निकल कर आया है, इसके पर वगैरह में कहीं स्वेलिंग वगैरह ना आ जाए, तो इसका भी मुझे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अभी बारी है, इसको मैं उतार लेती हूँ। देखिए सामने उड़ रहे हैं तीनों के तीनों, और वो देखिए कल्सरी कबूतरी हमारी नीचे आकर बैठ गई है छत पर, काफी अच्छी उड़ी यार, इसको देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और वो देखिए वो ग्रेटी, और देखिए वो वहां जाकर बैठ गए हैं। अभी ग्रेटी को आज मैंने नहीं निकाला था यार, इतना ज्यादा परेशान करने लगा है आज से, इसकी शैतानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बाकी पिजन्स को परेशान करता रहता है। तो आज मैंने इसको ज्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं निकाला, वरना मैं इसको बाहर ही छोड़ देती हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेता है, पर आज नहीं निकाला मैंने इसको। तो दोस्तों सभी पिजन्स को मैंने अभी फीड दे दिए, देखिए बाहर निकाल दिया है मैंने इन्हें। और बाकी अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कल्सरी कबूतरी ने काफी अच्छा कमबैक किया है और आज बहुत शानदार उड़ी है वो। और बाकी तीन जैसा कि मैंने बताया फैमिली में उड़ रहे हैं, तो फैमिली में वो जो नर था सिम्बा के फादर है वो है साथ में, और जो नया बच्चा निकल कर आया है जिसका हमने आज फर्स्ट टाइम ट्रायल लिया वो भी। तो फैमिली अभी तीनों के तीनों साथ में उड़ रहे हैं, और ये वाली नस्ल तो कुछ है ही ऐसी, इनको लास्ट में ही कमबैक करना होता है, और अभी भी मुझे पता नहीं कि कितनी टाइम लगाएंगे उतरने में और अभी और कितना टाइम ले लेंगे, तो फैमिली वो थोड़ा सा शायद लेट ही हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगी कि कब तक उड़े वो और कब तक उन्होंने कमबैक किया और किस तरह से, तो वो सब मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। और हाँ फैमिली, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स की आप लोगों ने, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत ज्यादा आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। कौन कौन सी कमेंट्स हैं जिनसे इंस्पायर होकर मैंने ये किया, तो वो भी आप लोगों को मैं शो कर दूंगी, वहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो ये उड़ रहे हैं और पता नहीं अभी कब तक कमबैक करेंगे, और वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इनको तो अभी और ज्यादा देर होने वाली है, तो उसकी अपडेट मैं आप लोगों को कल की वीडियो में दूंगी। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इतना ज्यादा प्यार देते हैं वीडियो पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फैमिली आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।